करती हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल मेकअप आर्टिस्ट सोनम शर्मा पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं और दुर्गा पूजा भी आने वाली है, तो आज मैंने आप लोगों के लिए दुर्गा पूजा लुक क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे क्रिएट किया। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम स्किन को प्रिपेयर करेंगे। आज मैंने लिया है लॉरियल का टोनर जो है व्हाइटनिंग टोनर। इससे आपको एक स्किन पर व्हाइटनिंग इफेक्ट मिलेंगे धीरे धीरे। आप इसको टैप मोशन में लगाइए जिस तरीके से मैं अपने फेस पर यूज कर रही हूँ। अब हम व्हाइट चिकन सीरम यूज करेंगे गाइस। जो सीरम्स होते हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखते हैं। हम गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल यूज करेंगे जो है रोज हे फेशियल ऑयल। आप जानते हैं जैसे जो रोज होता है वो हमारे फेस के लिए अच्छा होता है, हमारे फेस पे ग्लो ऐड करता है। और जो फेशियल ऑयल होते हैं वो हमारे स्किन को रेडिएंट स्मूथ बना देते हैं। विंटर सीजन में तो जो फेशियल ऑयल होते हैं वो मस्ट होते हैं। अब हम बोरोलिन यूज करेंगे गाइस। विंटर सीजन चल रहा है, जो हमारे लिप्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ड्राई फील करते हैं। लिप कलर लगाने से पहले या कोई भी मेकअप करने से पहले आप अपनी फेस को बॉडी को अच्छे से प्रिपेयर करें। अब मैं कलर बार का प्राइमर यूज करूंगी। जो प्राइमर्स होते हैं वो हमारे पोर्स को ब्लर आउट कर देते हैं, जिससे जो हमारा बेस होता है वो हमारे पोर्स में भरता नहीं है और हमारा जो मेकअप होता है वो केकी नहीं होता। गाइस, अब मैं अपनी आईब्रोज को सेट कर लूंगी, उन्हें थोड़ा सा फिल कर लूंगी। मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है। अब मैं कवर स्टूडियो का स्विस ब्यूटी के कवर स्टूडियो का कंसीलर पैडेड लूंगी और मैं अब अपनी आईब्रोज के नीचे और अपर में अच्छे से उन्हें अपने कंसीलर को लगाऊंगी, जिससे जो हमारी आईब्रोज हैं वो इनहेंस होकर निकले और जो हमारा आई मेकअप है उसको भी एक बेस मिल जाए। कंसीलर को मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी जिससे वो एकदम स्मूथ दिखे। अब मैं अपने अंडर आई एरिया जहाँ डार्क सर्कल थोड़े बहुत होते हैं, जहाँ मेरे को थोड़े बहुत डार्क सर्कल हैं, मैं उन्हें हाइड करूंगी। अगर आपके ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा करेक्शन करनी है, तो आप इसकी जगह करेक्टर भी यूज कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि आप जो भी मेकअप कर रहे हैं उसे अच्छे से ब्लेंड करें। अब मैं अपने कंसीलर को लॉक करने के लिए स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर यूज कर रही हूँ, जिससे जो हमारा कंसीलर है वो केकी ना हो। हमें अपने अंडर आई एरिया में लूज पाउडर लगाऊंगी, जिससे जो मैं अपने आई शेडोज लगाऊँ फॉल आउट होकर नीचे फॉल आउट हो, तो मैं उसको अच्छे से क्लीन कर सकूं। अब मैं अपने एक्स्ट्रा लूज पाउडर को हटा दूंगी। अब मैं आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, इसमें से मैं ब्राउन शेड लेके अपने आईलिड को, अपने क्रीज एरिया को अच्छे से बिल्डअप करूंगी। आप अपने आई मेकअप को जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगे वो उतना ही ब्यूटीफुल दिखेगा। आप देख सकते हैं कि जो मैंने टेप लगा लिया है, टेप लगाने से हमारा मेकअप है बहुत ब्यूटीफुल लगने लगता है। अपने ब्राउन शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इसी तरीके से ब्लेंड करिए। हम एक ब्लैक शेड लेके, आप देख रहे हैं वी शेप में बनाते हुए ब्लैक शेडो को पुट कर रही हूँ। मैं कॉर्नर में वी शेप बनाऊंगी और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी।
हमें अपने आधे लीड पर, जैसे आप देख सकते हो, कंसीलर सेट कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से कंसीलर को सेट कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक रेड शिमरी कलर लगाऊंगी, ये मैं अपनी फिंगर से लगाऊंगी जिससे वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। जो शिमरीज कलर होते हैं, आप उसको पहले फिंगर से पुट करिए और फिर ब्रश से ब्लेंड करिए, जो मर्ज लाइन है उसे अच्छे से मर्ज करिए, ताकि जो भी दोनों आई शेडोज हैं वो अच्छे से मर्ज हो जाएं। अब मैं टिनटेन का लाइनर ले रही हूँ। और मैं एक छोटा विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। जो मेरा लाइनर है वो ड्रॉ हो चुका है। ओके, देख सकते हो मैंने एक स्मॉल विंग लाइनर ड्रॉ किया हुआ है। अब मैं जेल काजल लूंगी और इसे एक ब्रश की हेल्प से अपनी वाटर लाइन पे ड्रॉ कर दूंगी। जो शेडोज मैंने अपने आई मेकअप में यूज किए थे, उन्हीं शेडो को थोड़ा थोड़ा सा लेके मैं अपने काजल को स्मच करूंगी। ओके गाइस, अब देख सकते हो मैंने टेप लगा लिया है और जो मेरा आई मेकअप है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, उसकी प्रॉपर शेप आई है। अब जो अंडर आई में हमने लूज पाउडर लगाया था उसे हम एक ब्रश की हेल्प से हटा देंगे। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी, जो है मेबीलाइन का हाइपर कल मस्कारा, जो आपके लैशेस को एक थिक लुक देता है। मैं अपने नीचे लैशेस पर भी लगाऊंगी। अब मैं मैक की ब्यूटी बाम ले रही हूँ, बेबी क्रीम, उसे मैं अपने ओवरऑल फेस पे एक डॉट डॉट करके लगा लूंगी। एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपने ब्यूटी बाम को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। आप ध्यान रखिए कि ब्लेंडिंग में बहुत सारा टाइम दें, अपनी ब्लेंडिंग को बहुत अच्छे से टाइम दें। मैंने भी अपने बीबी क्रीम को ब्लेंड करने में लगभग 7 से 8 मिनट्स लग गए थे। आप अपनी ब्लेंडिंग से अपने मेकअप को एचडी इफेक्ट भी दे सकते हैं। अब हम कंसीलर लेंगे, जो है मेबीलाइन का कंसीलर, लॉरियल का कंसीलर। अब मैं इसको अपने लिप्स के साइड में और फॉरहेड एरिया पर लगाऊंगी और उसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगी। ओके गाइस, अब हम कॉन्टोर स्टिक लेंगे, जो है मिस ब्यूटी के कॉन्टोर स्टिक। अब मैं इससे अपने चीन एरिया को कॉन्ट्रोल करूंगी, जो लाइन को कॉन्ट्रोल करूंगी। आप अपने कॉन्ट्रोल स्टिक को बहुत ही हल्के हाथों से चलाएं। मैं अपने नोज को कॉन्ट्रोल कर रही हूं। अब मैं अपने फॉरहेड को कंट्रोल करूंगी। ओके गाइस, अब मैं अपने नोज पे हाईलाइट करूंगी कंसीलर से, जो इसी पेंसिल में है। अब मैं अपने कंटूरिंग को अच्छे से ब्लेंड करूंगी।
आप देख सकते हो कि मैं किस डायरेक्शन में ब्लेंड कर रही हूँ। आपको अपने कॉन्टूर को अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि जो कॉन्टूरिंग है वो नेचुरल दिखे। आपको अपने मेकअप में अच्छे से ब्लेंडिंग का ध्यान रखना है। आपकी ब्लेंडिंग जितनी सुंदर होगी, जितनी अच्छे से होगी, आपका जो मेकअप है उतना ही इन्हेंस होके निकलेगा। जो जॉ लाइन का कॉन्टोर है उसे नीचे के साइड ब्लेंड करिए और जो फॉरहेड का कॉन्टोर है उसे अपर डायरेक्शन में ब्लेंड करिए। ओके गाइस, ये सब देख सकते हैं कि जो मेरी ब्लेंडिंग है ओवरऑल हो चुकी है। अब मैं स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर ले रही हूँ और लूज पाउडर से मैं अपने कॉन्टूरिंग के नीचे अपने कॉन्टूरिंग को सेट करूंगी जिससे जो मेरी कॉन्टूरिंग है और इनहेंस दिखे। ओके, अब हम लूज पाउडर को हटा देंगे, जो भी एक्स्ट्रा लूज पाउडर था, एक ब्रश की हेल्प से। अब हम एक ब्लश पैलेट में से शेड ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो ब्लश है वो स्माइल करके लगाते हैं। आप थोड़ी सी स्माइल करिए एंड देन ब्लश को पुट करिए। ब्रश को ब्रश पे लेने के बाद मैंने उसे अच्छे से डैप कर दिया था। अब मैं हाइलाइटर लूंगी, जो है लैक्मे एब्सोल्यूट हाइलाइटर। मैं अपने चीक को हाइलाइटर करूंगी, मैं अपने नोज को हाइलाइट करूंगी एंड देन मैं अपने फॉरहेड को हाइलाइट करूंगी, अपर लिप्स को हाइलाइट करूंगी, चिन एरिया को हाइलाइट करूंगी एंड देन थोड़ा सा नेक पे हाइलाइट करूंगी। आप अपने हाइलाइटिंग को अच्छे से ब्लेंड करिए ताकि वो नेचुरल इफेक्ट दे। अब मैं हाइलाइटर में से अपने इनर कॉर्नर पे, आईज इनर कॉर्नर पर को हाइलाइट करूंगी, आईब्रोज के नीचे हाइलाइट करूंगी। इनर कॉर्नर को हाइलाइट करने से ओके गाइस, अब मैं मेबिलिन की कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने मेकअप को लास्ट टच दूंगी। आप देख सकते हैं जो हमारा मेकअप है एकदम ब्लेंड हो चुका है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। अब मैं कलावार की लिप कलर लूंगी जिसका शेड है 12। लिप कलर लगाने के बाद जो हमारा मेकअप है और ज्यादा ब्यूटीफुल और इनहेंस दिख रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो मेरा पूरा लुक, आई मीन फेस लुक। जो मेकअप है वो शाइनी ग्लोई दिख रहा है। अब मैं मेकअप फिक्सर लूंगी जो है ब्लू हेवन का, अपने मेकअप को फिक्स करूंगी। इस मेकअप फिक्सर जो से जो हमारा मेकअप है 6 to 7 आवर आसानी से टिका रहता है। ओके गाइस, तो मिलते हैं पूरे लुक के साथ। इको हील दे नाल मैं कटिया एक साल दे, मैनू कदे तलाश या कर तू शॉपिंग माल दे, मेरे नाल दिया सब पार्लर सज दिया रहने दिया, हाय हाय लाइट करा दे मेरे काले बाल दे, मैं किथों सजा तेरे
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।